यूपीएससी में आपकी आपने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है। कौन सी रैंक है? 96 रैंक। क्या कठिनाई रही है सब कुछ? कितनी कठिनाई सफलता पीछे मेहनत, क्या मेहनत थी आपकी? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा पहले दो अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो बहुत कठिनाइयों से ये थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। क्या रूटीन क्या था पूरा पढ़ाई का आपका, कैसे तैयारी कर रही थी? 8 से 9 घंटे रोज़ का ही रहता था सर पढ़ाई का। बाकी पढ़ाई आपने कहाँ से? मेरी इनिशियल एजुकेशन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रीवा से हुई थी। उसके बाद मैं क्लास 5th से बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी वाइनबर्ग आइलैंड। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। बनना क्या चाहती थी आप? आईएएस ऑफिसर बनना जी। इस सफलता के पीछे आप किसका श्रेय देंगे? मेरे परिवार को, मम्मी, मेरी मेरे भाई, मेरी भाभी और मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटर कनिष सर को। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं हो पाएगा मेरा? ये इतना लंबा प्रक्रिया रहता है सर कि हमेशा लगता है कि इसमें नहीं हुआ तो, और जब दो अटेम्प्ट नहीं हुए थे तो हमेशा लगता था कि अगर प्री में अगले थर्ड में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू में जाके फिर रह गए तो ये तो सर हमेशा लगा रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। फिर आगे कैसे बढ़ी है, क्या चल रहा है? इसमें मेरा परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और उन्होंने बहुत मदद की मूव ऑन करने के लिए कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी बात उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो अभी तैयारियां कर रहे हैं और बीच में कई बार छोड़ भी देते किसी कारण से? जी उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हताश नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, बट अगर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ किया जाए तो इट इज़ अचीवेबल। आपका रूटीन वर्क क्या था पढ़ाई के समय जब आपकी तैयारियाँ होती थी, दिनचर्या कैसी होती थी? जनरली मैं 9 से 10 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाती थी और जिस स्टेज के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन होती थी, जैसे अभी प्री आ रहा है तो नॉर्मली मार्च से स्टार्ट हो जाता था प्री, तो हर दिन पेपर सॉल्व करना, फिर जैसे प्री हुआ तो उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना डेली, और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे ताकि मैं अकस्टम्ड हो जाऊँ प्रोसेस से।